और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली सूची की कवायद जारी है। 15 जीआरजी वॉर रूम में बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर सीपी जोशी शामिल है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में शामिल है। तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। धर्मेंद्र राठौड़ भी कांग्रेस वॉर रूम में पहुंचे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है जल्द जारी होगी कांग्रेस की सूची। सूची को लेकर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो देखिये, लगातार अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची कब बाहर आएगी, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। गौरव गोगोई बैठक में मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। स्पीकर सीपी जोशी मौजूद है और साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं। तो तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद है और अब ये देखना है कि कब तक ये सूची जारी होती है, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ का कहना है कि सूची को लेकर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जल्द ही जो है सूची जारी होगी कांग्रेस की। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को लेकर ये अहम बैठक कांग्रेस के वॉर रूम में। निर्वाचन के 2 महीने, अब 1.5 महीने ही रह गए हैं, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बार परंपरा टूटने वाली है, इसलिए भाजपा डरी हुई है। और ये भाजपा ने उन लोगों को विधानसभा में टिकट दिए हैं, उन सांसदों को जिनके खिलाफ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, वो दोबारा लोकसभा नहीं जीतने वाले थे, उनका टिकट काटने का एक बहाना भाजपा को चाहिए था। और वो बहाना था कि विधानसभा में उनको लड़ाया जाए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के सवाल है, हम पूरे तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके से हम तैयार है। हम हमारा काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है। सूची आएगी, बहुत ही शानदार आएगी, बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे। मतलब हमारी योजनाएं अच्छी, हमारी सरकार ने काम अच्छे किए, हमारी पार्टी की नीतियां कार्यक्रम वो अच्छे हैं, हमारे कैंडिडेट अच्छे होंगे। इसी आधार पर करें कि जितना अनुमान नहीं है उससे ज़्यादा हम कांग्रेस की विधायक जीत के आएंगे। और चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी निजाम कटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, बैठकों का दौर लगातार जारी है, लगातार जो है उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है कि आखिर सूची कब आएगी, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये बैठकें एक नया रंग लेती हुई अब जो है कहा जा रहा है कि जल्द ही सूची जारी होगी, तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। बेशक देखिए कि जिस तरीके से अगर कहें कि चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस बहुत तेज़ी से जो है इसकी ओर लौटी है। अगर कल कहें तो कल भी, जैसे कि कल शाम को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव है, उनके साथ करीब 2.5 घंटे बैठक हुई। बैठक में ही पीसीसी चीफ डोटासा, प्रदेश प्रभारी रंधावा भी रहे थे। और उसके बाद जो है गौरव गोगोई जो है कल देर रात को करीब 10:30 बजे CM से मिलने उनके जोधपुर हाउस पर पहुँचे थे। करीब 2 घंटे से भी ज़्यादा तक उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की। और उसके बाद से ही आज सुबह, जैसे कहें कि हम मौजूद है अभी 15 जीआरजी वॉर रूम पे, और इस वॉर रूम के अंदर हैं। जो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक पहली बैठक का दौर चला, उस बैठक में जो गौरव गोगोई है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो मुख्य बैठक है वो अभी 2 दिन बाद होगी। लेकिन अभी जो है स्क्रीनिंग की जा रही है, सभी से राय मशवरे ले जा रहे हैं। जो अब तक रिपोर्टें आई हैं, अगर जमीनी लेवल से कहें DCC चाहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो मिली हैं, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से जो मिली हैं, उन सभी को प्रभारियों से जो मिली, सह प्रभारियों से जो मिली, उन सभी को रिपोर्टों को पहले ही एकत्रित किया जा चुका है। अब उनको फाइनल स्क्रीनिंग करके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। उस कमेटी के सामने रखे जाने से पहले जो कवायद की जानी है वो है, यहाँ पर देखिए प्रदेश प्रभारी जो है रंधावा सुबह 11 बजे से करीब 12 बजे तक मौजूद रहे, इसके बाद वो जयपुर लौट गए। इसके साथ ही तीनों सह प्रभारी और डोटासरा के बाद 2:30 बजे के बाद दूसरी जो मीटिंग का दौर चला उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है डोटासरा वो पहुंचे थे। उसके बाद कुछ देर बाद कई जो कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं स्पीकर CP जोशी वो पहुंचे, और उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ की एंट्री हुई और वो लगातार वॉर रूम में अगर कहें तो करीब 3 बजे से लेकर अब तक देखिएगा आप कहें 7 बजे, 4 घंटे से ये वॉर रूम में दूसरी बैठक आज दिन की वो लगातार जारी है। इस पूरी बैठक में अगर कवायद कहे महत्वपूर्ण बातें, 3 चीज़ों का बेहद ध्यान रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि वॉर रूम पहले ऐसा होता था कि दिल्ली में जो है प्रत्याशी यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी जगह जगह, लेकिन अब बहुत इक्का दुक्का या कह सकते हैं 2 दर्जन लोग ही जो है दिल्ली पहुँच पाए, क्योंकि जो सारी कवायद है इस बार कवायद जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ बीजेपी ने एक तरफ अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर कांग्रेस पर ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है।
बिल्कुल देखिए कि इस मामले में बेशक जो कह सकते हैं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा था कि देखिए कि हम नैले पे दैला मारने जा रहे हैं, अभी तक बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा और तुरंत उसके बाद जो है बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करके 41 की लिस्ट, बेशक उसके मामले में जरूर है कि उन्होंने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। गौरव गोगोई ने आज देखिए इसका जवाब दिया है कि जो सांसद है वो चूंकि सांसद जीत नहीं पाएंगे इसलिए उनको विधानसभा में टिकट काटा ताकि आगे बाद में टिकट नहीं काटना पड़े। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेशक अगर जो अंदर खाने हैं तो बीजेपी के सामने बेहद मुश्किलात कहें तो जो सांसद दिए हैं उनके सामने अब कांग्रेस के लिए रणनीति बदलनी पड़ गई, क्योंकि आप अगर बात कहें देखिए कि आप जयपुर से बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और इसके साथ ही दिया कुमारी को अगर जोटवाड़ा और कहें विद्याधर नगर से उतारा है तो अब उनके सामने जो प्रत्याशी है सामान्य प्रत्याशी तो नहीं उतार सकते और उनके सामने मजबूत दावेदार जो है वो प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, तो इसके लिए कवायद कांग्रेस को बहुत मजबूती से करनी होगी। और इसके लिए देखिए कि अब इस बार जो है कांग्रेस की जो कह सकते हैं पूरी तरह से बदली हुई रणनीति, क्योंकि पिछली बार जैसे अगर आप देखें तो हर बार जो है दिल्ली में जो प्रत्याशियों का डेरा लगा रहता था लेकिन इस बार प्रत्याशी यहाँ नहीं पहुंच पाए क्योंकि पार्टी ने साफ कहा है कि वो जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी और इसके लिए जो सभी रिपोर्टें आएगी अलग अलग जगह से उसको महत्व देगा। और सबसे तमाम रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने के बाद जो है ऐसे आदमी पर दाव खेला जाएगा, ऐसे उम्मीदवार पर दाव खेला जाएगा जो जिताऊ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।